ये है पार्ट वन ऑफ माय इंडिया ट्रिप टू न्यूजीलैंड। 4 साल बाद मैं गई। हम 5:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचे, फिर हमने अपने बैगेजेस को ड्रॉप ऑफ करा, कन्वेयर बेल्ट्स में वे करवाया और फिर एक एक करके सारे बैग्स पे टैगिंग हुई और फिर हमने अपने बैग्स को बोला गुड बाय, क्योंकि अब वो हमें सीधा मिलेंगे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। और उसके बाद हम सारे फैमिली मेम्बर्स सब पहुंचे इंटरनेशनल डिपार्चर के गेट पे। सबकी बड़ी मिक्स फीलिंग्स थी, सब बहुत ही सैड थे। मेरे पेरेंट्स 6 मंथ से न्यूजीलैंड में रह रहे थे और अब उनको मैं वापस छोड़ने जा रही थी। मेरी मम्मी का चेहरा देखिए कितना उदासी से भरा था, पापा भी काफ़ी सैड थे पर उन्होंने कैमरा फेस नहीं करा। फिर हम लगे क्यू में और हमारी होनी थी अब सिक्योरिटी चेकिंग, क्योंकि जो बहुत क्रूशल पार्ट होता है। और उसके बाद जब हमने वो फिनिश ऑफ करा तब हम घूमे ड्यूटी फ्री में। हमने बहुत सारी परफ्यूम्स देखी, चॉकलेट्स के सेक्शंस देखे, विटेकर जो यहाँ की बहुत अच्छी ब्रांड है, काफ़ी रिलैक्स करा। और फिर हम चल पड़े अपने बोर्डिंग गेट की तरफ और मेरा एक्साइटमेंट देखिए, 4 साल बाद जा रही हूँ। और क्योंकि ये मंडे की फ़्लाइट थी और सुबह की फ़्लाइट थी तो एयरपोर्ट इतना क्राउडेड नहीं था, यूजुअली ऐसा ही होता है। और ये था हमारा एयर न्यूजीलैंड का एयरक्राफ्ट जो कि हम ले रहे थे न्यूजीलैंड से टू हांगकांग, 11.5 घंटे की फ्लाइट। मैंने अपने पेरेंट्स को उनकी डेजिग्नेटेड सीट पे बिठाया, उनको एक पानी की बोतल दी और वापस चली गई मैं अपनी प्रीमियम इकोनॉमी में और चेकआउट करा कि क्या है आज के मूवी सिलेक्शन में। फिर हमारी एयर होस्टेस आई, उसने हमें हॉट टॉवल्स दिए, तब तक पैसेंजर अनाउंसमेंट आने लग गए। और उसके बाद फिर हमने वेट करा वो सारे अनाउंसमेंट सुनने के लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जनरली यूजुअली सेम ही होते हैं बट सुनना बहुत जरूरी है। और फिर मैंने अपने हॉट टॉवल से अपना फेस चमकाया और फिर मैंने चेकआउट करा कि एयर न्यूजीलैंड वालों ने हमें एक गुडीज दे रखे थे जिसमें एयर प्लग्स थे, आई मास्क था और ये बड़ी क्यूट सी सॉक्स थी जो। और फिर हम बस फर से उड़ चले उन बादलों के बीच और बाय बाय बोला हमने न्यूजीलैंड की धरती को। और फिर उसके बाद हमारी एयर होस्टेस ने हमें लंच सर्व करा जिसमें कि था हिंदू वेजिटेरियन मील था, इसमें थे राइस, इसमें थे करीज, दाल थी और कुछ सैलड था विद सम फ्रेश सैलड। और उसको खाने के बाद मैंने करी थोड़ी सी वॉक और ये देखिए बादलों का क्या नज़ारा है फ्रॉम द विंडो। और फिर मैंने देखा कि एयर होस्टेस अपने ही कुछ काम कर रही थी, कुछ फिल इन कर रहे थे जो कि उनका यूजुअल होता है। और फिर देखते ही देखते 11.5 घंटे की फ़्लाइट नियरली ख़त्म हो गई। और जब हम हांगकांग के ऊपर पहुँचे तब ये हांगकांग के कुछ आइलैंड्स दिख रहे थे, कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, ओ माय गॉड। ये था मिनी व्लॉग पार्ट वन। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड फॉर पार्ट टू एंड अदर सीरीज। थैंक्स, बाय बाय।